गाइस, आई मीन राजीव, ये क्या है यार? बर्थडे केक है क्यों वरुण? तुम्हें पसंद नहीं आई? आई मीन मैंने सोचा बहुत सिंबॉलिक है, हार्ट शेप साइन, इजंट इट ब्रिलियंट? या ब्रिलियंट, मैं रामेश्वरी होता तो वरुण तेरे चांसेस। दिस केक इज अ डिजास्टर वरुण। वैसे तू लाया कहाँ से ये ब्रिलियंट सिंबॉलिक केक? पिंकी बेकरी एंड जनरल स्टोर्स। मेरा सर्वेंट कह रहा था कि हमारे एरिया का सबसे बेस्ट प्लेस है। दिस ब्लू कलर, आई थिंक इट्स सो चीप। वरुण, मेरे को नहीं लगता तेरा कुछ भी होने वाला है थैंक्स टू हिम। आई डोंट अंडरस्टैंड यार, इस केक की वजह से रामेश्वरी वरुण को छोड़ देगी। आई मीन रामेश्वरी, आई गो गेट इट। फिट आई गेट इट। ओके, बट यू रिमेंबर ना, आज यस या नो? यस ही है यार। अरे मेरे हीरो यस ही है, तू जा मेरे शेर जा। गाइस, पर अगर जरूरत पड़ी तो। अरे यार डोंट वरी, हम हैं ना, तू जा। हाँ हाँ, जब हम जैसे दोस्त हैं तो वरुण ही ना टेकिंग टेंशन, राइट? अरे वरुण, ओए रामेश्वरी कहाँ है? रामेश्वरी, अरे पर हुआ क्या डूड? कुछ नहीं हुआ यार, यही तो ट्रेजेडी है। लड़कियां, What? They have a God's gift here. Mood का XYZ करने में। पहली बार तूने कोई समझदारी की बात की है। ए तू चुप कर यार। अच्छा वो सब छोड़ो, लेकिन रामेश्वरी को इसके लिए कोई ना कोई पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, है ना? वैसे उसे इस टेरेस पे से फेंकने का आइडिया कैसा है? मेरे बर्थडे वाले दिन ही उसको मिसिंग इन एक्शन होना था। आई मीन हैप्पी बर्थडे वरुण। रमेश और बहन दी। वी गोना गेट यू, वी गोना गेट यू। रामेश्वरी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। विल यू मैरी मी? पार्टनर हो, रिस्पॉन्सिबल हो और इंटेलिजेंट भी। पर कुछ कहने से पहले मुझे मेरे दोस्त की परमिशन का इंतजार है। दोस्त? कौन सा दोस्त? मारुति। रामेश्वरी, कहीं तुम वो सेक्शन बी वाले लड़के की? नहीं नहीं, वो नहीं। कोई चाइल्डहुड फ्रेंड है? यस। दैट्स सो स्वीट। उसकी शादी हो गई? वो ब्रह्मचारी हैं। हैं? कौन है ये हैं? हनुमान। भगवान हनुमान? बेब्स, वो कोई लिविंग ह्यूमन बीइंग थोड़ी ना है जो कि तुमको फोन करेगी, परमिशन लेगी। है निधि, ही इज एवर लिविंग, वो चिरंजीव है। तुम्हारी बात समझ सकता हूँ रामेश्वरी। इनफैक्ट मेरी माँ भी हनुमान की बहुत बड़ी भक्त है। हम तीनों मिलके एक साथ उनकी पूजा करेंगे। लेकिन you know what? नानी, ये सब God, ये miracles, this is all mythology, babes. It's all a myth, yeah. No, निधि, ना ही हनुमान मिथ है, ना ही उनके miracles.
जब भी उनको किसी ने पूरी आस्था फेथ से बुलाया है वो जरूर आए हैं। कैन आई शेयर अ ट्रू इंसिडेंट विद यू गाइस? सुनोगे? या शो, व्हाई नॉट। कभी धौलपुर के बारे में सुना है? बहुत छोटा सा टाउन है, कुछ 50 किलोमीटर दूर आगरा से, हनुमान जयंती वाले दिन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुं लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुं लोक उजागर। राम भक्त तुम सबसे बड़े हो, रामचंद्र के हो अति प्यारे। राम भक्त तुम सबसे बड़े हो, रामचंद्र के हो अति प्यारे। राम भक्त तुम सबसे बड़े हो, रामचंद्र के हो अति प्यारे। तुमसे ही तो राम मिलेंगे, राम द्वार के हो रखवारे। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुं लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुं लोक उजागर। द्वार बंद करके भीतर छुप गया, बाहर निकल, सामने आ। गिरनार वन में 12 साल तेरी तपस्या की है मैंने, वचन के अनुसार तेरे दर्शन करने यह घोड़ी आज तेरे द्वार पे खड़ा है, बाहर आ। तुम जो भी हो अभी इसी वक्त यहां से उल्टे पैर लौट जाओ। केसरी नंदन की जयंती न होती तो इसका सर धड़ से अलग कर देता। शांति शांति, सब शांत हो जाओ, क्रोध अच्छा नहीं होता भक्तों। पुजारी जी आप बीच में ना आए, बाहर आ। तेवर तो देखो इसके। इन मूर्खों के मुख नहीं लगना है मुझे, पर तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। साबित तो अब तुझे करना है कि तू है तेरे सच्चे भक्तों के लिए।
पीछे हटो। चले आ रहे हैं। महावीर विक्रम बजरंगी सुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हर्ष वज्र ध्वजा विराजे कांते मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजग बंदन हनुमान ज्ञान गुण सागर डिस्कशन कुछ स्ट्रेंज सा नहीं हो गया रामी? आई मीन तुम कैसे कह सकती हो कि तुम एक सो कॉल्ड सच्ची कहानी सुना रही हो? वो छोटी लड़की मैं ही थी। आगे क्या हुआ? कुछ सुनोगे भी या यूं ही भूत बनकर देखते रहोगे? क्यों दोस्त, तुम मेरे साथ खेलने के लिए क्यों नहीं आते? उस अघोरी बाबा के साथ तो तुम पकड़ा पकड़ी खेलने के लिए आ गए थे, और मेरे साथ? पता है, जब से मेरी माँ आपके पास गई है मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे मेरी माँ लौटा दो ना। अगर तुम खुद नहीं खेलने आओगे तो मेरी माँ को वापस भेज दो।
वो मुझसे बहुत प्यार करती है। बाबूजी भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इतना कि वो मेरे लिए छोटी माँ ले आए। छोटी माँ अच्छी है, लेकिन कभी कभी मुझसे नाराज हो जाती है। मैं उनकी बेटी नहीं हूँ ना, इसलिए। तुम्हें पता है वो जो छोटी माँ की माँ है ना, कोकोई, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। वो कहती है कि ये भगवान नहीं होते, सब झूठ। रामेश्वरी बेटा, अब अपने दोस्त को दूसरों की मदद के लिए भी तो छोड़ दो, आखिर उन्हें भी तो प्रभु की मदद की जरूरत है। और हाँ, सूरज अस्त होने वाला है, अब घर जाओ। ठीक है पंडित जी, अब बाकी की बातें कल, भूख भी बहुत लग रही है। लो ये सेब ले लो, और जंगल के रास्ते सावधानी से जाना, क्योंकि आज की रात काली आत्माओं की रात है। मैं नहीं डरती, मेरे साथ मेरा दोस्त हनुमान जो है। की दी हुई राग का जादू जरूर रंग लाएगा। मुझे डरा ही दिया, तुम नहीं जानती मेरा दिल कितना कमजोर है। अरे 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 अरे, कमजोर दिल को छोड़ और तेज किस्मत को देख, देख देख ये आलीशान महल, ये जेवर लगते और ये ठाट पाट और एक गाय जैसा पति। जाने भी तुम आई, वो इतने भी गाय नहीं है। क्या बात है, ये सेब खा ले हैं? इसे खाते ही बंजर जमीन में भी फूल उगाते हैं। यही तो तुम समझती नहीं हो माई, मैं जमीन नहीं हूं, जो 4 सालों में नहीं हुआ अब इन सेब केलों से क्या होगा। अब तो डॉक्टर्स ने भी कह दिया है मैं कभी माँ नहीं बन सकती। ए, चुप चुप, गंदी बात है। इस तरह से हार मान जाएगी तो मेरा रचाया हुआ खेल का क्या होगा। खेल? किस खेल की बात कर रही हो तुम? अब इसे मैं कैसे समझाऊं? देख, मुझे ना तुझसे एक बेटा चाहिए और इस खानदान को एक वारिस, वरना वो रामेश्वरी छोकरी है ना, वो सब कुछ ले जाएगी, दौलत। देख बेटा, जो है ना उसका मजा ले, लेकिन जो नहीं है उसे पाने की कोशिश कर। हाँ, ले।
गुण सागर जय कपी सती हूँ लोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपी सती हूँ लोक उजागर राम दूत अतुलित बल रामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा जय श्री राम। तू ये क्या कर रहा है भाई? रामेश्वरी अभी तक नहीं लौटी और राघविंदर जी भी ना, ओ बेटा अपना वक्त पार कर गए। सुपो, तू अपनी हदें पार मत कर। हाँ, मैंने तुझे उस बाप बेटी की सेवा के लिए नहीं रखा है, तो मैंने अपनी सेवा के लिए रखा है। मुझे तो लगता है कि तू अपनी बेवकूफी की वजह से ना मेरा सारा रचाया हुआ खेल ना बिगाड़ दे। खेल रचाया तुमने माई? हाँ, एक राज की बात है। बोला राघवेंद्र, जिस दिन से उसने हम माँ बेटी को लाचार समझ के हमें यहाँ पना दी, बस उस दिन से शुरू हुआ मेरा खेल। पर मैं समझा नहीं माई। तू कैसे समझेगा है बेवकूफ जो है? तुझे क्या लगता है ये आलिशान महल है? ये आराम ये कैसे मिला है? कैसे मिला? आजी, कैसे मिला? ये सब मेरी बुद्धि और कड़ी मेहनत से। वो मेरे रास्ते की अड़चन लक्ष्मी। अच्छा अच्छा, वो लक्ष्मी। उस नादान को तो पता ही नहीं चला कि उसके चिता की राख उसके मरने से पहले ही मैं बख्शु से ले आई थी। बात समझ में आई? अच्छी तरह से माई। अरे बाप रे, बुढ़िया इस उम्र में तेजाब है तो जवानी में क्या होगी? ज्वालामुखी आया। नहीं, डरो मत। मैं क्यों डरने लगी? मेरे साथ मेरा दोस्त हनुमान जो है। अशोक, तुम्हारे बेटे के एडमिशन का क्या हुआ? हो गया राघव भैया, सब आपकी मेहरबानी है। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मेरा नहीं, ईश्वर का करो अशोक, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। हमारे लिए क्या आ गया है राघव भैया? हमारी सारी जायदाद रामेश्वरी के नाम जल्द से जल्द करा दो। वो तो हो जाएगा राघव भैया, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? लक्ष्मी हमें इतनी जल्दी छोड़ के चली जाएगी, ये किसे पता था अशोक? समय का कोई भरोसा नहीं होता। जायदाद जल्दी से जल्दी रामेश्वरी के नाम करा देनी चाहिए। तुम घर जा रहे हो? नहीं, मेरा कोई घर नहीं है, इसलिए मैं हर जगह को अपना ही घर समझ लेता हूँ। पर तुम खाना कहाँ खाते हो? जिस दाने पर नाम लिखा होता है वो मिल ही जाता है। तुम तो बहुत ही बहादुर हो, रहना बाहर खाना बाहर। लो ये सेब खाओ। नहीं नहीं, मैं तोड़े हुए फल नहीं खाता। हनुमान की कसम, मैंने नहीं तोड़ा, ये मुझे पुजारी जी ने दिया है। बात वो नहीं है, असल बात ये है कि एक बार ऐसी एक गलत कोशिश के कारण मुझे मुंह की खानी पड़ी थी। ओ। आ!
मेरा घर और अब मुझे जाना होगा। क्या हम रोज मिल सकते हैं? हो सकता है। ठीक है, मैं तो तुम्हारा नाम पूछना भूल ही गई। मारुति। और मेरा नाम है रामेश्वरी। रामेश्वरी। मारुति कहाँ चला गया? अरे कहाँ मर गई? क्या हुआ माई? इतना शोर क्यों मचा रही हो? अरे बावली, कितनी बार तेरे भेजे के अंदर ये पार्ट डालनी पड़ेगी कि जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को अपने बस में कर लो। अगर दुर्भाग्यवश अगर ये महल की मालकिन बन गई तो हम दोनों को तो वो नौकर से बदतर मानेगी। रामेश्वरी, नौकर और हमें? अगर इसे कुछ हो गया ना तो सारे लोग यही कहेंगे मां सौतेली थी, ध्यान नहीं दिया। और देख फिर तो राघवेंद्र को क्या मुंह दिखाएगी। क्यों कर रहे हो ऐसा मेरे साथ? हाँ, ऐसा क्या किया रामेश्वरी ने? हाँ जी, वो मैं तो उसे ये समझा रही थी कि जमाना बहुत खराब है, रात का समय, जंगल का रास्ता। क्या हुआ बेटा? हाँ क्या हुआ? वो बापूजी, मैं बेटे जब मैं छोटा था ना मुझे भी कभी कभी लगता था कि सभी मेरे पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन बचपन में हम दुनिया के कई खतरों से अनजान होते हैं। वो बड़े जो भी कहते हैं हमारी भलाई के लिए कहते हैं बेटा, बस सबका अपना अपना तरीका होता है। तुम अपनी माँ का और माँ जी का पूर्ण आदर किया करो, ओके? जाओ बेटा सो जा। मोहिनी, बच्चों को प्यार से समझाना चाहिए, उन्हें डांटते नहीं। पर मैं तो भाई, आप भी समझाइए ना इन्हें। मैं तो समझा समझा के थक गई तुझे। अरे बच्चे तो होते ही है गलती के पुतले हैं, उन्हें समझाने के लिए क्या चाहिए, बस प्यार के दो मीठे बोल हैं। पर माई। अच्छा अच्छा खाना लगा दो। खाने लगा, खाने लगा। अच्छा हुआ तूने अपने बाबूजी के सामने मुंह नहीं खोला, और आइंदा भी खोलने की हिम्मत मत करना। हाँ नहीं तो मैं तेरे बाबूजी के खाने में शहर में रखे उसे मार डालूंगी। रामेश्वरी आओ बेटा। क्या हो बेटा? आओ ना, कम आ जा। क्या? ए, तुम्हारी आंखों में आंसू? किसी ने कुछ कहा तुमसे? पक्का? अरे रे रे रे, आंसू नहीं, ये मोती है, इसे मत बहाओ, हम लुट जाएंगे। अरे रुको, हंसो मत, तुम हंसती हो तो बिल्कुल खुखुई जैसी लगती हो। याद है बेटा जब तुम्हारी माँ थी तो हमेशा हम दोनों के बीच में सोने की जिद करती थी। हाँ बाबूजी, और माँ हमेशा मेरी पसंद की खीर बनाती थी, और खीर आपको पसंद नहीं है। बाबूजी, आज मुझे आपके पास सोना है, वो माँ वाली लोरी सुना दो ना। पखियों के घर दे जाएगी निंदिया सपनों के पर,
सपने तुझे लेके उड़ जाएंगे, परियों की दुनिया में ले जाएंगे। पूछेंगी तू कौन है, हमसे भी प्यारी तू कौन है, कहना उनसे ओ मेरी गुड़िया, तू अपनी माँ की है नन्ही परी। आएगी निंदिया अखियों के घर, दे जाएगी निंदिया सपनों के पर, सपने तुझे लेके उड़ जाएंगे, परियों की दुनिया में ले जाएंगे। साथ सो जाना, और आज मुझे तुम्हारी मां के साथ कुछ जरूरी बात भी करनी है बेटा, प्लीज बेटा प्लीज। सारी जायदाद रामेश्वरी के नाम कर रहे हैं। और वैसे भी हमें यहां किस बात की कमी है, ये सोचो कि रामेश्वरी ने भी मेरी कोख से ही जन्म लिया है। अब ज्यादा सोचो मत माई, सो जाओ। तू सो रही है बावली, ममता क्या चीज है तू क्या जाने, पांचो तेरी। खैर, लोग कहते हैं कि कोई किसी का भलाई नहीं करती। मरी हुई माँ और जिंदा बेटी को मिलाने का पीड़ा मैं उठाने जा रही हूँ। अरे वाह मारुति, तुम और यहाँ, वाओ तुम भी हनुमान के भक्त हो ना? मेरे प्रभु तो श्री राम है। दोस्त तो नहीं है ना? हनुमान तो मेरा दोस्त है। दोस्त मतलब हनुमान के सिवाय तुम्हारा कोई दोस्त नहीं? मारुति तुम ही मेरे दोस्त हो, पर सॉरी हाँ, मेरा बेस्ट फ्रेंड तो हनुमान है। हाँ ओह बातों बातों में मैं तो भूल ही गई, सॉरी हाँ। मेरे लड्डू, मारुति ये क्या है? लड्डू? वही तो मैं पूछ रही हूँ, तुमने तो कहा था तुम कुछ खाते नहीं हो। वो तो मैंने तोड़े हुए फलों के लिए कहा था, और एक बात मैंने कही थी जो तुम शायद भूल रही हो। कौन सी बात? कि जिस दाने पे नाम लिखा होता है वो मिल ही जाता है। वेरी स्मार्ट, पर मैं ये लड्डू अपने दोस्त हनुमान के लिए लाई थी, उस हिसाब से इन पर हनुमान जी का नाम लिखा था। एक ही बात है, मैं खाऊं या तुम्हारा दोस्त खाए, मैं भी तो तुम्हारा दोस्त हूँ ना। मुझे उल्लू समझ रखा है, अभी इसी वक्त मेरे दोस्त हनुमान से माफ़ी मांगो। ये कैसे हो सकता है? आई एम सॉरी हनुमान जी, ऐसे माफी क्या मांगू मैं, ये तो है पत्थर की मूरत, कहती हो भगवान जिसे वो है बंदर की सूरत। हाय 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 बजरंगबली,
ये लड़का है नादान, इसको करना तुम क्षमा, ये तुमसे है अनजान। चली कहाँ तू अपने मारुत से ऐसे मुंह मोड़ के, ऐसी बातें करती हो तो जाती हूँ मैं छोड़ के। अच्छा तो समझा दे मुझको, क्या तेरे हनुमान है? कुछ ना समझेगा तेरे तो मन में ही शैतान है। अब तुझे कौन बचाएगा रामेश्वरी बिटिया? ऐसा क्या हनुमान है जो तू इसको माने, बातें ऐसी करती है तू जैसे इसको जाने। बल बुद्धि विद्या के जितने गुण है इनमें सारे, मेरी शुद्ध के साथी है बजरंगी। अपने गांव वापस भाग लेते हैं, और वैसे भी ना आपके ये जंतर मंतर तो फेल हो गए। मानना ना मानना तो आपके हाथ में है। भागने की जरूरत नहीं है, मैं मानती हूँ काम कठिन हो गया है, वरना मेरा वार कभी खाली नहीं जाता। मौका अच्छा है, कल राघवेंद्र और मोहिनी शहर जा रहे हैं। हाँ तो मैं एक ऐसे आदमी को बुलाने जा रही हूँ जिसके कदम पड़ते ही दुश्मन का सर्वनाश कोई नहीं रोक सकता। कौन है? कौन? मेरा मुंह बोला भाई, साधु पहलवान। साधु को किसी का डर नहीं, भगवान का भी नहीं। अबे जल्दी खोल। क्या हुआ साधु, क्यों मारा इसे? मारा नहीं, चुप कर आया, डिस्टर्ब किया हमको। सोते समय जोर से खराटे ले रहा था, अगली बार हमेशा के लिए सुला दूंगा इस चूसे को। अरे पहलवान,
क्यों अपनी एनर्जी इसमें बर्बाद कर रहे हो? अरे पटवारी ने तुम्हारी जमानत दे दी है, तुम रिहा हो रहे हो। रिहा अभी इसी वक्त रिहाई। क्या रिहा रिहा कर रहा है दरोगा? अगर जमानत नहीं होती ना तो भी हम यहाँ कल की रात नहीं रुकने वाला था। तुम दोनों का टेटवा दबाकर यहाँ से उड़न छू होने का प्लान बना लिया था हमने। मैं भी साधु बाबा, हम तो कितनी सेवा की है आपकी। चल बुड़बक, ड्यूटी को सेवा बोलता है, है? वो हमरा दुश्मन देव सरन हमरे खिलाफ गवाही देने के बाद उड़न खटोला बन बाहर उड़ रहा है और हम यहाँ सरकारी मेहमान बना रहा हूं, असंभव। कहता है सरकारी मेहमान बना दिया, पूरे के पूरे खानदान को अपने हाथों से मार डाला, अब इसे जेल में न डालें तो क्या मुख्यमंत्री बना दें? अरे क्या फर्क पड़ता है। और सुनो, अगर अगली बार आने से पहले ये नया रसोईया बदली नहीं किया तो तुम दोनों का अचार बना देंगे हम। कौशल्या, मैं बाहर जाके देखता हूं, तुम दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। नहीं, वो वैश्य दरिंदा आपको आपको मेरी कसम है, आप बाहर मत जाइए। अगर मैं बाहर नहीं गया तो वो अंदर आ जाएगा। मुझे जाने दो कौशल्या, और फिर हमारे बच्चे को भी खतरा है। तेरी बेवकूफी की कोई सीमा नहीं है देवसरन। मेरे खिलाफ गवाही दी तूने, साधु के खिलाफ। शुक्र करो साधु, मैं वहां अदालत में एक गवाह की हैसियत से था। अगर कहीं जज होता तो तुम कब के फांसी के तख्ते पर लटक गए होते। अब मैं दूंगा तुझे फांसी। ये देख, ये है तेरा फंदा। देखा कैसे आजादी से घूम रही है। वही तो मैं देख रहा हूं। बस अब और इंतजार नहीं हो सकता। वाकई पहले ही काफी देर हो चुकी है। राघव और मोहिनी शहर जा रहे हैं, मौका अच्छा है। हाँ, मैं भी कब से ऐसे ही मौके की तलाश में था। और बड़ी हो जाएगी तो पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। वैसे पकड़ने में अभी भी बहुत मेहनत लगेगी, पर खाने में बिल्कुल नहीं, नरम होगी पकने के बाद। जाके पकड़ू क्या?
इसमें मेरी क्या गलती थी? बताओ क्या गलती? ओए ओए एक मिनट, ओए महारानी कहाँ? ठहर तू, रुक जा। कहाँ चली महारानी? मैं मेरे दोस्त हनुमान से मिलने जा रही हूँ। जब पड़ी आई हनुमान दोस्त, कहीं नहीं जा सकती है तू? क्यों नहीं, मैं जाऊंगी। मैं देखती हूँ आज जाती कैसी है तू। देख भी लो और सुन भी लो, जा रही हूँ। बदतमीज, क्या हो रहा है ये सब? ओह बेटा जी, देखो ना कितना जिद कर रही है ये। अब मैं तो चाहती हूँ कि बस मेरे आंखों के सामने रहे, वक्त बेवक्त इधर उधर ना घूमे। अगर कोई अनहोनी हो गई, आपको पता है ना कि मैं अपनी बिटिया रामेश्वरी के बगैर सांस तक नहीं ले सकती। रामेश्वरी बेटा, इधर आओ। बेटा, माँ जी सही कह रही हैं, तुम मंदिर अकेली नहीं जा सकती, अपनी रक्षा करने लायक नहीं हो तुम। पर बापू, मैं करूंगा रक्षा। जय श्री राम। ये लड़का कौन है? कौन है बे तू? कहाँ से आया है? एक मिनट, कौन हो बेटा और यहाँ क्या कर रहे हो? मारुति है मेरा नाम, कर्म करके जीवित रहना चाहता हूँ, अब सेवा का मौका दे दे बस। बेटा, हमारे यहाँ नौकरों की कोई जरूरत नहीं। मैंने नौकर होने की इच्छा प्रकट की नहीं, केवल सेवा की लगन है। बाबूजी, ये वही है जिसने उस रात मुझे जंगल पार करने में साथ दिया और यहाँ घर तक पहुँचाया। प्लीज बाबूजी। ठीक है, तो तय हुआ, आज से तुम मारुति के साथ मंदिर जाया करना। पर बेटा राघव, तुम ऐसे ही चलते फिरते पर यूं भरोसा कैसे कर सकते हो? क्योंकि माई, मेरा दिल कहता है। हाँ, एक सलाह है तुम दोनों के लिए, विनाश काले विपरीत बुद्धि, इस बात को हमेशा याद रखना और अभी इसी वक्त लालच, ईर्षा और काले कारनामे छोड़कर प्रायश्चित शुरू कर दो, वरना जय श्री राम। छोटा मुंह और बड़ी बात, पर बात तो ठीक कर गया है ना भाई? साधु को किसी का डर नहीं, भगवान का भी नहीं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो ये स्टोरी है। अरे बेणा, ताकत अपने शरीर में होनी चाहिए, इन उधार के टोटकों का क्या भरोसा, कब धोखा दे जाए। लो जी दूध। सब्बा सुपू, अबे उठ जाकर हमारी मालिश के लिए तेल गरम कर,
तुम तो बड़े ही होशियार निकले, सीधा घर ही आ गए। बाबूजी को भी मना लिया और कोकोई को भी डरा दिया। कितना मजा आया। मजा कैसे ना आता, तुमने मुझे दोस्त जमाना है। सो तो है, पर मेरा बेस्ट फ्रेंड तो हनुमान है। हाँ, फिर हनुमान? यस, हनुमान ऑलवेज। अच्छा अच्छा अच्छा, आज मुझे वही खुशी मिली है जो हनुमान जी को उस घड़ी मिली होगी। हनुमान को कब इतनी खुशी मिली थी? ओफो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता। हनुमान जी को सबसे ज्यादा खुशी तब मिली थी जब वो पहली बार राम जी से मिले थे। अच्छा, अब ये मत कहना कि तुम्हें ये भी नहीं पता कि दोनों मिले कहाँ थे। तुम ही बता दो। कैसे राम भक्त हो तुम? जब हनुमान जी सुग्रीव की वाली से रक्षा कर रहे थे तब। फिर क्या हुआ? बता रही हूँ। फिर ना हनुमान जी एक ब्राह्मण का रूप धारण कर श्री राम और लक्ष्मण के पास पहुँचे। आप दोनों कौन हैं? चांद और सूरज की तरह उज्जवल और तेज, ऋषि हो या क्षत्रिय, कौन हैं आप? हमारा परिचय सुग्रीव से करा सकते हो हनुमान? हनुमान, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? तुम्हारे कंठ में जो कंचन माला चमक रही है वही कह रही है कि तुम हनुमान हो। कंचन माला? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, नहीं दिखेगी, वो मेरे प्रभु के सिवा और किसी को नहीं दिखेगी, ऐसा मुझे ब्रह्मा जी ने बहुत पहले बताया था। हे प्रभु, मैं न जाने कब से आपके दर्शनों के लिए व्याकुल था। हे मेरे प्रभु, हे मेरे राम। तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता रहता, सब चीज मुझे ही बतानी पड़ती है। तो ये थी असल कहानी, कुछ समझे? प्रभु के पास जाओ, मैं मेरे दोस्त से मिलने चली। मिल के बोलो ये सारे बोलो सीता राम, दिल खोलो ये मिल के बोलो ये सारे बोलो सीता राम। जीना क्या उसका जीना जो लेता कभी ना सियावर राम का नाम। दिल खोलो ये मिल के बोलो ये सारे बोलो सीता राम। राम सिवा भी जाना कहाँ है? राम बिना हम जाए कहाँ रे? राम सिवा भी जाना कहाँ है? राम लला की खोज में खुद को खोना उनको पाना है। बार बार भटके बेकार जब तुझको पता ठिकाना है। आ जा रे आ जा रे आ जा रे, रघुवर की शरण में भुला दे हम इस पल सारे काम। रघुवर की शरण में भुला दें हम इस पल सारे काम। जीना क्या उसका जीना जो लेता कभी ना सियावर राम का नाम। दिल खोलो ये मिल के बोलो ये सारे बोलो सीता राम। तेरा और तेरे अंगरक्षक का खेल बहुत हो चुका लड़की। वैसे तो तुझे मारकर
मेरा ही नाम बदनाम होगा। लोग कहेंगे कि साधु ने शेरों का शिकार छोड़कर खरगोश का शिकार शुरू कर दिया। कहां है तेरा अंगरक्षक? मैं भी तो देखूं कि कौन है ये मारुति। जब इंसान का अंतिम समय आता है ना, तो अपने भी साथ छोड़ देते हैं। अपनी जान बचाकर भाग लिया होगा तेरा दोस्त मारुति। हाँ, मारुति नहीं तो क्या हुआ? मेरा दोस्त हनुमान जरूर आएगा मेरे लिए। कोई फायदा नहीं है लड़की, तैयार हो जा। वैसे आज तेरा हनुमान आएगा तो उसे भी पता चल जाएगा कि साधु को किसी का डर नहीं, भगवान का भी नहीं। किसकी मौत कब, कहां और कैसे लिखी है? महाकाल के सिवाय कोई नहीं जानता साधु पहलवान। पुरुषोत्तम का सेवक मारुति। ससुरा, हमको हंसी भी आ रही है और गुस्सा भी। जिस साधु का नाम सुनकर सौ सौ कोस दूर तक बच्चे चड्डी गीली कर देते हैं, वो यहां तुम दोनों के बीच खड़ा होकर गंभीर विचार विमर्श कर रहा है। नाम साधु और काम असुरों वाले। छोटे, चुप हो जा, एकदम चुप। अंगरक्षक बनता है, भाषण देता है, जो भी है तेरी बहादुरी की दाद देनी पड़ेगी। तुझ में कोई ना कोई बात तो है। चल बता, कैसे मरना है तुझको? रामेश्वरी, तुम बाहर जाकर प्रतीक्षा करो। कुछ समझना आए तो हनुमान जी का जाप कर लेना। हाँ तो मरने के बारे में क्या सोचा है? सबसे पहले तुम मुझे हाथ लगा कर दिखाओ, फिर देखते तुम्हें मारना कैसे है। कसम पैदा करने वाले की लौंडे, तेरी मौत के बाद तेरी चमड़ी का जूता बनाकर पहनेंगे हम। रुक! आजा आजा।
क्यों नहीं है? अरे 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 डर जा, चल मुझे छोड़ दे, ये बॉल पकड़ के दिखा, पकड़ेगा ना? आजा पकड़, आ ना, आजा आजा पकड़। सिर्फ भगवान का डर है। जैसा था, फिर ये हुआ कैसे? माई, मैं तो कहता हूँ अभी भी वक्त बचा है, अपने गांव वापस लौट चलते हैं। चुप रहे बावला, तुझे क्या लगता है अमृत होटो पे आने के बाद मैं उसे भूल जाऊं? ये मुमकिन नहीं। वो लड़का मारुति है ना? हाँ। हो ना हो सब उसी का किया धरा है। अगर वो मेरे सामने आ गया ना, हाँ। तो मैं उसे मैं उसे आगे भी तो बोलो, क्या करोगी? क्या नहीं करूंगी उस बंदर का ये पूछ। अगर वो सामने आ गया ना, तो मैं उसे जय श्री राम। उस चिपकली का हनुमान और इसका जय श्री राम। बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। तुम सुपंडी,
भाग्य होने के बाद भी अंधे बने बैठे हो? याद रखना, गलत संगत का परिणाम गलत ही होता है। अगर अभी भी बात समझे नहीं तो कभी समझने का मौका नहीं दूंगा। मरे मेरे दुश्मन, अभी तो आखिरी और अहम लड़ाई बाकी है। मैं तुम्हारे पास लड़ने के लिए अभी कुछ सही सलामत बचा है? बचा है कौन? भक्षु। पर हमारे लिए एक मुसीबत है। हाँ पता है, उसको बुलाना। तो फिर उसको वापस भेजना। ये तेरे साथ कौन है कोकोई? मेरा भोजन? मालिक, ये भोजन नहीं, सेवक है। मैंने अपने पालतू भूतों को तो रोक लिया कोकोई, लेकिन मेरी साधना में जो विघ्न तुमने डाला है, उसके लिए जो सजा मैं तुम्हें देने वाला हूं, उसका क्या? मुझे कौन रोकेगा कोकोई? मालिक, मैं तो तुम जानती हो, शैतान का काला साम्राज्य लाने में मैं अभिलीन हूं, जिसे पूरा होने में भी थोड़ा समय बाकी है। साधना सफल होते ही इस खोखली दुनिया में हाहाकार मच जाएगा। आपकी बात सुनने के बाद मेरी हिम्मत और बढ़ गई है मालिक। नहीं तो मेरी क्या मजाल कि मैं आपकी साधना को छेड़ू? आप बस एक बार मेरी बात सुन लीजिए, फिर कहने लगा कि काली साधना करने वाले लोग निर्बल और कमजोर होते हैं, और ये मानने वाले लोग ढोंगी होते हैं। यहाँ तक भी वो भक्षु भी। टिमटिमाता दिया चुनौती दे रहा है, चलो चल के बुझा देते हैं। मारुति, तुम ही बताओ, मेरे दोस्त को मेरे साथ खेलने के लिए आना चाहिए ना, फिर वो क्यों नहीं आते हैं? हो सकता है वो आए हो और तुमने उन्हें पहचाना ना हो। नॉट पॉसिबल, मैं ना पहचानूं ऐसा हो ही नहीं सकता है। वैसे भी ईश्वर हर जगह उपस्थित नहीं रह सकते, इसीलिए उन्होंने माँ को बनाया है। इसीलिए बाबूजी छोटी माँ को ले आए। अरे यहाँ पे क्यों रुक गए? अंदर चलो। तुम चलो, आज मैं यहीं पर रुकूंगा। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, पर यहीं पे, और कहीं मत चले जाना। मैं अपनी मर्जी से आता हूँ और जाता हूँ, और अब मैं तुम्हारे पास आ गया हूँ तो तुम्हारे कहने पर भी नहीं जाऊंगा। पर मैं तुम्हें कभी जाने के लिए न... बाबूजी, बाबूजी आ गए। रामेश्वरी। हाँ बेटा। मुझे आपकी बहुत याद आई माँ।
मुझे भी बेटा। भाई हमें भी आपकी बहुत याद आई। मेरे सोने का वक्त हो गया। आपके सोने का वक्त हो गया तो जाइए सो जाइए। गुड नाइट। गुड नाइट। रामेश्वरी आज हमारे पास ही सो जाओ ना बेटा। मेरी इतनी हिम्मत कैसी? ये बात क्या है? अगर तू चाहती है कि तेरा काम हो तो पहले उस घर से वो जो भी है उसे वहां से निकालना होगा। जो होगा मालिक। राघव भैया नाराज होंगे, पहले से इतनी देर कर चुका हूँ। खैर वसीयत देखेंगे तो शांत हो जाएंगे। ये गहने ले जा और उस लड़के के सामान में छुपा दे। छुपा दूं? पर क्यों मई? क्योंकि मैं उसे चोरी के इल्जाम में फंसा कर उसे घर से निकलवा दूंगी। भाई बहुत हो चुका, क्या करोगी ये सब दौलत पाकर? जब तेरे बारे में मुझे सोचना होगा। मई मैं जा रहा हूँ। किसी ने ना सही कहा था, बुरी संगत का अंजाम ना बुरा ही होता है। जान की नाथ सहाय करे जब, जान की नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़े
सहाय करे जब कौन बिगाड़ करे नर तेरो जान की नाथ सहाय दिए हुए पुश्तैनी गहने कल रात तो मेरे पास थे, अब जो बेपता नहीं कहां चले गए। अब क्या बताऊं, जमीन निकल गई या आसमां खा गया। मेरी माँ के गहने लुट गई, बर्बाद हो गई। क्या हुआ गहनों को माई? अरे बावली, पता होता तो शोर क्यों मचाती। धीरज रखिए माई, यहीं कहीं रखकर भूल गई होंगी आप, बड़ी उम्र में अक्सर ऐसा ही होता है। तजुर्बा कहता है कि जब बेगाने घर में घुस आते हैं तो ऐसी घटनाएं घटना कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। जो कहना है खुलकर कहिए माँ जी। ये लड़का चोर है। माँ जी, सोच समझ कर उसे बात निकालेगा। बेटा जी, मैं तो सोचे समझे बगैर सांस तक नहीं लेती, पर तुम इसके चोर ना होने का दावा कैसे कर सकते हो? क्योंकि मेरा दिल कहता है। मुझे तो पहले से ही शक था, ये कोई आम इंसान नहीं है, ये तो इंसान ही नहीं है। ये सुपंडी को क्या हो गया अचानक? हाँ, क्या पता, सुबह से अजीब सा व्यवहार कर रहा है। फिर से तूने भांग पी रखी है क्या? चल इधर से, हट इधर से, हट हट। देखो बेटा जी, बाकी सब तो घर के लोग हैं, फिर क्यों इसके आने के बाद घर में पहली बार चोरी हुई? हाँ, अभी हो जाता है दूध का दूध और पानी का पानी। देख लो राघवेंद, अपनी आंखों के साथ साथ अपने दिल से भी सच्चाई देख लो। ये क्या है मारुति? गहने। वो तो मैं भी देख सकता हूँ, यहाँ कैसे आए? आप इसी से पूछ लो, ये सब इसका ही षड्यंत्र है। हाय 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 हाय, चोरी और सीना चोरी। सुपंडी सही कह रहा था, ये बच्चा इंसान नहीं। जब से हमारे घर में आया है कुछ न कुछ अशुभ हो ही रहा है। पहले मेरी टांग टूटी, फिर मेरा हाथ, और फिर मेरा भाई साधु पहलवान। अब तेरा भी सर्वनाश निश्चित है। तू मेरा सर्वनाश करेगा? हाँ, निकल जाओ यहां से। मैंने कहा ना, निकलो। मैं यहाँ रामेश्वरी की रक्षा करने आया हूँ, और कोई भी, आप भी,
मुझे इस घर से बाहर नहीं निकाल सकते। जय श्री राम। हुकुम, एक जरूरी बात करनी है। एक बुरी खबर है, कल रात अशोक को किसी ने मार दिया। हाँ, हो सकता है ये भी इसी दुष्ट का काम हो। माँ जी, आप जाइए यहाँ से। सर चढ़ाओ, मुझे क्या, भलाई का जमाना ही नहीं रहा। रामेश्वरी, इधर आओ। बेटा, अपने बाबूजी से प्यार करती हो तो जब मैं वापस घर आऊं, ये लड़का इस घर में नहीं होना चाहिए। अपने बाबूजी की बात नहीं मानूंगी। वो बात नहीं है बेटा, तुम्हें मेरी कसम। से कहीं नहीं जाऊंगा रामेश्वरी। बाबूजी नाराज है, तुम्हें जाना ही होगा। अगर मैं चला गया तो अंधेर हो जाएगा। याद है मैंने पहले भी कहा था कि अगर मैं यहाँ आ गया तो तुम्हारे कहने पर भी नहीं जाऊंगा। प्लीज तुम जाओ। मैं किसी के कहने पर भी नहीं जाऊंगा, तुम्हारे कहने पर भी। तो ठीक है, तुम्हें श्री राम की कसम। बेटी, बेटी ऐसी गलती मत कर बेटी। ठीक है, मैं जा रहा हूं। याद रखना, तुम इस रेखा को कभी पार मत करना। जब तक तुम इसके अंदर रहोगी, सुरक्षित ही रहोगी। पर फिर मैं अपने दोस्त हनुमान से कैसे मिलूंगी? नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। तुम्हें तुम्हारे दोस्त हनुमान की कसम। वचन दो। ओ
कलियां बाहों से छूटे, बूंदे भी छोड़े बादल, अंबर से टूटे सितारे। दुख किसको ज्यादा होवे, जिसने छोड़ा उसको, या जिसके छूटे सहारे। जिया रे जिया रे, बता रे बता रे। याद हमें आता है क्यों, जिसको किया था विदा। ओ भूले से भी भूले कहाँ, जब कह दिया था अलविदा। खाली दिल भर जाए होता नहीं रे, खाली भी दिल पूरा क्यों होता नहीं रे। जिया रे जिया रे, बता रे बता रे। भगवान जी, मैं न जाने कितने बुरे कामों में भागीदार रहा, फिर भी आपने मुझको दर्शन देकर मेरे इस दागदार जीवन को स्वच्छ बना दिया। मुझे यकीन है भगवान जी, ये मेरे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का फल है। प्रभु जी, आपने मुझे प्रायश्चित करने का एक मौका दे दीजिए। भाई क्या है? भाई ये क्या गजब डाल रही हो माई? तू जानता नहीं? जानता हूँ, इसलिए तो तुम्हें बचा रहा हूँ। बचा रहा है किससे? अक्षु से। मारुति को तुमने निकलवा दिया ना? हाँ। निकलवा दिया ना, अब बस बाकी का काम पक्षु को करने दो, हमें उतना ही करना है जितना पक्षु का फरमान है। कि मैं क्या करने जा रही थी, अगर पक्षु को पता चल गया तो मुझे कभी माफ नहीं करेगा। शाबाश पंडित। आओ मेरे मालिक, प्राग कर दो। रामेश्वरी कुछ तो खा लो बेटा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। खा लो बेटा। पहले मुझे मेरे मारुति को वापस ला कर दो। बेटा जिद नहीं करते, मारुति ने हमें धोखा दिया है, उसने चोरी की है बेटा। मारुति कभी चोरी कर ही नहीं सकता। तुम इतनी यकीन के साथ कैसे कह सकती हो? क्योंकि मेरा दिल कहता है। ठीक है बेटा, मैं कल सुबह जाकर मारुति को ढूंढ लिया। सच? हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस। आज पहुंच है क्रियो प्रभु लीला में। अरे दिन ही ऐसा है, हनुमान जयंती जो ठहरी, सुना है प्रभु को बहुत सजाया है, नए गहने नए लत्ते नए जेवर नया मुकुट। दोस्त का हैप्पी बर्थडे। कोई बुलाए रोके कोई जाए न
न जाए सोचे कोई क्या क्या निभाए तोड़े कोई कुछ धागे जो बांधे खुलते ही नहीं है दूरी से कुछ नाते टलते क्यों नहीं है जिया रे दोस्ती की दुहाई आज तेरी तड़प हमेशा के लिए थम जाएगी राख हो जाएगी जल्दी से जाकर मारुति को बुला कर लाओ बाबूजी तो मारुति को ही बुलाने के लिए गए हैं पर अभी तक वो आए क्यों नहीं क्या है मालिक एक नेक और साफ इंसान की बलि माँ जी ये सब क्या है ये आदमी कौन है जा जाकर तेरी बेटी को बाहर ला जो हुक्म मेरे आका अभी इसी वक्त जिंदा है मुर्दा जो तेरी श्रद्धा हो बच्चे मुर्दा सही है क्योंकि मुर्दे बोलते नहीं है सुना नहीं तूने ये सब क्या हो रहा है वो राघवेंद्र जी मुझे वो लड़की चाहिए इसी क्षण जो हुक्म मेरे मालिक ये क्या हो रहा है भाई तू बीच में मत आ मेरे पति की जान खतरे में और तुम कहती हो मैं बीच में ना आऊं अरे बावली इससे जो चाहिए था हमें मिल जाएगा ना तो फिर इसका क्या काम नहीं ये मेरे पति हैं और मैं देखती हूँ मेरे होते हुए इन्हें कोई चू भी कैसे सकता है तेरी बेटी को होश में लाने के लिए उसे बेहोश करना जरूरी था
आकर इस यंत्र के सामने खड़ा हो जा। रामेश्वरी, ये सब क्यों हो रहा है सुप्पू? बेटा बेटा, ये जो ककई है ना, ये तुम्हारी सारी जायदाद हड़पना चाहती है। और ये राक्षस कौन है? ये राक्षस भक्षु है। ये हम सबको मार डालेगा। बेटा बेटा, हमारे पास ना समय नहीं है, तुम्हें जाकर प्रभु को बुलाना ही होगा। कौन प्रभु? तुम्हारा दोस्त और अंगरक्षक मारुति, यानी हनुमान जी। क्या? मेरा दोस्त मारुति हनुमान है? हाँ बेटा, मारुति ही हनुमान है और हनुमान ही मारुति है। तुम्हें कैसे पता? प्रभु ने अपनी कृपा से मुझे दर्शन दिए। मैंने मैंने प्रभु को देखा है बेटा। वही है मारुति भगवान। तुम्हें दर्शन दिए, मुझे क्यों नहीं? हमेशा साथ रहते हुए भी नहीं? मारुति हनुमान है, मुझे पता ही नहीं। पाया उसे जाना भी था, पहचाने फिर भी क्यों नहीं? हो सुनते रहे जो कह दिया, समझे नहीं क्यों अनकही। पछताए दुख जाए, अब क्यों जिया रे? ना पाए क्यों हाए, जो खो दिया रे। जिया रे, जिया रे, बता रे, बता रे। किसी भी हालत में तुम अपने दोस्त मारुति को लेकर आओ। अब तुम्हारे बाबूजी की जान सिर्फ मारुति बचा सकते हैं बेटा। रामेश्वरी, पीछे के रास्ते से भाग जाओ, भाग जाओ बेटा। क्या है? हाँ, कहते रहे रक्षा करूंगा रक्षा करूंगा की भी, पर आज मुझे, बाबूजी, हम सबको तुम्हारी बहुत जरूरत है। जानती हूँ हम सबसे नाराज हो ना, मैंने तुम्हें जानने के लिए चुका हूँ, पर आज तुम्हें गुस्सा छोड़कर दोस्ती का हाथ थामना होगा। मेरा हाथ आ! सामने आ! कौन है तू? आप रोक के दिखा, मिट्टी का बुत बन के क्यों छुप गया है अभी? मैं तुम्हें कितनी देर से बुला रही हूँ और तुम आते ही नहीं हो। मारुति, ऐसी कोई तो मजबूरी होगी ना जिसे हनुमान जी को आना ही पड़ता होगा। सुना है एक अचूक तरीका है
कौन सा तरीका? प्रभु श्री राम का नाम। जहाँ प्रभु श्री राम का नाम लिया जाता है वह हनुमान जी को आना ही पड़ता है। अब देखती हूँ और कितनी देर उठोगे। जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम सीता राम, जय जय राम राम राम, जय जय राम सीता राम। साधना मिलीन था जिसका अंत होते ही पृथ्वी लोक पर काले साम्राज्य की शुरुआत हो जाती। उसका विनाश ही मेरा लक्ष्य था और रामेश्वरी मेरा लक्ष्य और भक्षु के विनाश के लिए सिर्फ एक बहाना थी। लेकिन अब उसके निर्मल और निसंदेह प्रेम और हौसले से वो सदैव मेरी दोस्त रहेगी। जो भी मुझे सच्चे मन से याद करेगा मैं अवश्य आऊंगा और रक्षा करूंगा। जय श्री राम। वानर नार सिंह खगरा क्रोड़ाश्व वक्रांचितम् नानालंकरणम् त्रिपंचनयनम् दैदिप्यमानम् ऋचा हस्ताब्जैहि असिखेत पुस्तक सुधा कुंभम् कुशाद्रिम् हलम् खट्वांगम् फणिपूरुहम् दशभुजम् सर्वारि गर्वापहम्। रामेश्वरी, यू सो लकी। आई मीन हनुमान जी, योर फ्रेंड,
वैसे ये बात कोई और बोलता ना तो मैं बिलीव नहीं करता। ओए पर अभी तक मारुति मारुति जी का यस नहीं मिला है। नो भी तो नहीं मिला ना। फिर आई थिंक ही वॉन्ट्स अस टू वेट, नहीं तो अभी तक उन्होंने मुझे इशारा दे दिया होता। और ये कैसे कंफर्म होगा? कॉइन टॉस करते हैं। ग्रेट आइडिया। हेड्स आई गेट रामेश्वरी, टेल्स शी गेट्स मी। सिंपल। फिर देखो ये कॉइन कुछ नहीं बताएगा। लेट्स सी। शरण में भुला दें हम इस पल सारे काम, रघुवर की शरण में भुला दें हम इस पल सारे काम, जीना क्या उसका जीना जो लेता कभी ना सियावर राम का नाम, दिल खोलो ये मिल के बोलो ये सारे बोलो सीता। मैले मन का कौन पाए, तन मैला तो साफ भी होवे मैले मन का कौन पाए, बार बार ऊंची दीवार सब कूद पांद के तेरे घर आ गए मैं लेके गुहार।